जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कई दीवारों पर जाति सूचक नारे लिखे जाने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। देश भर से इस मामले पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जेएनयू प्रशासन ने इस पर संज्ञान ले लिया है। संगीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला ने इसको सनातन का अपमान बताया है। जेएनयू के दीवारों पर किसने ब्राह्मण भारत छोड़ो लिख दिया है यह तो पता नहीं चला, मगर यह देखकर बहुत बुरा लगा कि हाल के वर्षों में वहां दीवार लेखन की कला में बहुत गिरावट आई है। पहले वहां की दीवार लेखन की कला बहुत प्रभावित करती थी। वहां विचारधारा के छात्रों के लिखने का एक आकर्षक पैटर्न होता था, रंग भी उनके अलग हुआ करते थे। ऐसा दीवार लेखन तो न सिखवे राजनीतिक कार्यकर्ता ही करते हैं। गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला ने जेएनयू विवाद की तुलना हिटलर के शासनकाल से कर डाली। उन्होंने कहा है कि 1940 के आसपास जर्मनी में यहूदियों की हालत क्या थी, किस तरह से यहूदी को दबाया जा रहा था, आज हालात वैसा ही है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बैठे वामपंथी सोच के लोग देश को खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे सोच वालों से मुकाबला करने की जरूरत है। मनोज मुंतशिर ने कहा कि सवर्णों को बार बार अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान पर संकट है, हमारे अस्तित्व पर संकट है। वामपंथी चाहते हैं कि हम चुपचाप सब कुछ सहते रहें, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि तथाकथित बुद्धिजीवी सवर्णों और ब्राह्मणों की बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि ये वामपंथी विचारधारा के लोग एक तरह तो ढोंग करते हैं और हम जात पात में विश्वास नहीं रखते, दूसरी तरफ जाति के आधार पर ही टारगेट करते हैं। इस मामले पर ट्वीट करते हुए गीतकार ने लिखा है कि ये जेएनयू यूनिवर्सिटी का सनातन विरोधी और भारत विरोधी चेहरा है। दुख ये है कि इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। एक जाति विशेष को टारगेट किया जाए और वो जाति अपने पक्ष में कुछ न बोल ले तो हम जातिवादी हो। मैं इस कायरता भरी चुप्पी से इनकार करता हूँ। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में दीवारों पर कुछ ऐसे नारे लिखे दिखाई दे रहे हैं, ब्राह्मण कैंपस छोड़ो, खून बहेगा, ब्राह्मण भारत छोड़ो और ब्राह्मण बनिया हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, हम बदला लेंगे। जेएनयू लगातार विवादों में रहता आया है, वजह कई है। कभी टुकड़े टुकड़े के नारे तो कभी अफजल कसाब के पक्ष में। बातचीत कहकर जो मोदी सरकार आई है तब से जेएनयू और विवाद एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ रहे। पक्ष जो भी हो, देश के एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में इस तरह के नारे को लेकर फिलहाल विवाद बढ़ता ही जा रहा है और लोग जमकर इसकी आलोचना कर रहे हैं।